हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने वेबसाइट को शेड्यूल मेंटेनेंस में से कैसे निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम प्लगइन इंस्टॉल करते रहेंगे या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट को ही अपडेट करते रहते हैं, तो अचानक से सडनली क्या हो जाता है कि हमने कभी तो बैक क्लिक कर दिया प्लगइन इंस्टॉल होने के टाइम पे, या फिर अपडेट होने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्रैश हो गया। तो इसके वजह से ये शेड्यूल मेंटेनेंस में हमारा जो वेबसाइट है वो चला जाता है। तो उसको हम कैसे शेड्यूल मेंटेनेंस से निकालेंगे, आज के इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। देखिए, अभी मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे लिखा है ब्रीफ अनेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस चेक इन बैक इन मिनट। ये बैक इन मिनट बोल रहा है, बट मेरा काम हो चुका है, फिर भी हमारा वो सर्वर है जो अभी भी अनरिस्पॉन्स कर रहा है, हमारा वेबसाइट अनरिस्पॉन्स हो रहा है, क्योंकि यही लिख के दे रहा है। चलो अभी मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप मेरे वेबसाइट पे एरर शो कर रहा है। अभी मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए, हमने अपने वेबसाइट को रिफ्रेश किया, फिर भी हमारा यही एरर शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले अपने जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वहां पे सीपीएनएन में लॉगिन करना है। जैसे कि मेरा डोमेन रजिस्टर का है, तो मैं यहाँ पे डोमेन रजिस्टर में लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपका जो भी है होस्टिंगर है या फिर कुछ और है तो वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए सीपीएनएन में। सबका अरेंजमेंट थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन सब में ये सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल ऑप्शन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप सर्च कीजिए मेंटेनेंस मोड। देखिए, मेरा यहाँ पे है मेंटेनेंस मोड। मेंटेनेंस का जो पीएचपी फाइल रहता है उसको हम एडिट करेंगे। एडिट में देखिए यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, तो इसको हम निकाल देंगे, इसको डिलीट कर देंगे और फिर से सेव कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है, आपका जो भी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। चलो अभी हम एक फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, मेरा वेबसाइट रिफ्रेश हो चुका है और मैं लॉग इन हो चुका हूँ अपने डैशबोर्ड में। जब भी आप मेंटेनेंस मोड में रहेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड रहता है वो भी अपीयर नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ कि आप कैसे अपने वेबसाइट को कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस मोड में खुद से रख सके डैशबोर्ड्स के थ्रू, और आप उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई अपना वेबसाइट को कुछ अपडेट कर रहे होंगे तो आप उसको कंस्ट्रक्शन मोड में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।